आज हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आइए आज हम देखते हैं सेंटेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश में, और बचपन से ही इसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का अर्थ क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, आप भली भांति जानते हैं। इसकी परिभाषा है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। मतलब जब हम शब्दों को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, निश्चित क्रम में जमा देते हैं, तब हमको सेंटेंस प्राप्त होता है और उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। हम मतलब एक ही सेंटेंस में या तो एक ही शब्द हो सकता है या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। अमित इज रीडिंग अ बुक, अमित एक किताब पढ़ रहा है। हमने यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो फाइव वर्ड्स हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया हमने, तब हमको एक सेंटेंस मिला, अमित इज रीडिंग अ बुक, अमित एक किताब पढ़ रहा है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है ना, एक प्रश्न पूछा जा रहा है आपका क्या नाम है। यहाँ भी देखिए हमने चार शब्द हैं यहाँ पर, वन टू थ्री फोर, फोर वर्ड्स आर हियर एंड वी हैव अरेंज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर, तब उसका एक सेंस निकल रहा है, इससे एक प्रश्न बनकर आ रहा है, व्हाट इज योर नेम। आगे देखते हैं, रोहित डज नॉट राइट अ लेटर, है ना, रोहित पत्र नहीं लिखता है, तो ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वर्ड्स हैं। इसके बाद फोर, हाउ ब्यूटिफुल द रैम्बो इज, है ना, मतलब जो इंद्रधनुष है कितना सुंदर है, कितना सुंदर इंद्रधनुष है, यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ हमने वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जो वर्ड्स हैं उनको हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया है। नेक्स्ट, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या तुम कल बाजार गए थे। यहाँ पे हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वर्ड्स हैं। तो परिभाषा से आपको क्लियर हो गया होगा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर अर्थ जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, जो सेंस है वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब खाली वाक्यों को हमको जमाना नहीं है, वाक्यों को इस प्रकार, शब्दों को खाली जमाना नहीं है हमको, शब्दों को प्रॉपर ऑर्डर में इस प्रकार जमाना है ताकि जो सेंटेंस बने उसका एक निश्चित अर्थ निकले। तो यह हो गया सेंटेंस, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, एक सेंटेंस के विषय में निम्नलिखित बिंदुओं को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में तो इन बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर प्लेस्ड प्लेस्ड इन देयर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। मैं बता चुका हूँ कि जितने भी वर्ड्स हैं उनका प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ताकि जो वाक्य बने उसका एक निश्चित अर्थ निकले। दूसरा, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, प्रत्येक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से चालू होता है। जब भी आप एक नया सेंटेंस चालू करेंगे वह हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होगा, यह ध्यान में रखें। इसके बाद, अ सेंटेंस हैज अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड, प्रत्येक वाक्य के अंत में या तो फुल स्टॉप आता है ये, या तो क्वेश्चन मार्क आता है ये, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो यह पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ कथन बता रहे हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स ऑलवेज प्ले अ वेरी वाइटल रोल वाइल मेकिंग अ सेंटेंस। इसके बाद चौथा, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, मतलब प्रत्येक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब जरूर रहता है, बिना वर्ब के सेंटेंस प्रायः नहीं बनता है, तो यह ध्यान में रखें आप।
अब देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल एक ही शब्द होते हैं, जैसे कि समटाइम्स अ सेंटेंस कैन बी मेड यूजिंग जस्ट वन वर्ड। वन वर्ड वाले भी सेंटेंस हो सकते हैं, वर्ब जरूर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, स्टैंड, गो, स्टॉप। तो ऑल द अबाव थ्री सेंटेंसेज आर वन वर्ड सेंटेंसेज। ऊपर खाली एक एक वर्ड हमने लिखा है, लेकिन वो सिंगल वर्ड ही एक सेंटेंस है। इसका कारण क्या है? ऑल ऑफ देम गिव अ कमांड। इससे कमांड का बोध हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है, कोई किसी को आदेश दे रहा है। और यहां पर आदेश किसको दिया जा रहा है? इफ यू से स्टॉप, इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप। हियर द सब्जेक्ट यू इज इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मीन्स इंक्लूडेड। तो यहाँ जो ऊपर वन वर्ड वाले सेंटेंस है, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें कमांड या ऑर्डर दिया जा रहा है, और यहाँ पर यू उसमें शामिल है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यू को आदेश दिया जा रहा है ना। यू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टैंड अप, यू हैव टू गो। तो ये, तो यहाँ पर यू का भाव छुपा हुआ है, कोई किसी को आदेश दे रहा है, कमांड दे रहा है ना। तो आप यह भी ध्यान में रखें कि एक वर्ड से, एक सिंगल वर्ब से भी एक सेंटेंस बन सकता है जहां पर यू छुपा हुआ रहता है, मतलब उसमें शामिल रहता है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहां जो मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बता रहा हूं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यह मैं बता रहा हूं अर्थ के आधार पर। ये जो सेंस होता है, अर्थ, स्ट्रक्चर के आधार पर भी होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो अलग मामला है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सेंस मतलब अर्थ, सेंस या अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। मतलब वाक्यों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमको कुछ कहना होता है, जब हमको कुछ लिखना होता है, या कहीं लिखी हुई बात को हमको समझना होता है, तब वाक्यों का प्रयोग होता है। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना, असर्टिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ किताबों में केवल चार वाला ही दिया रहता है, चार दिया रहता है, 1 2 3 4, लेकिन पांचवा नहीं दिया रहता। लेकिन वास्तव में ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिसमें इच्छा या कामना हम व्यक्त करते हैं। यह आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई बात बोलते हैं, जब भी कोई हम सेंटेंस लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमारे बोलने का जो तरीका होता है, जो लहजा होता है, उसके आधार पर ही हमको पता चलता है। अगर हम बोल रहे हैं तो हम कोई स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं, कि क्या हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हम किसी को आदेश दे रहे हैं, क्या हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, क्या हम इच्छा या कामना व्यक्त कर रहे हैं। बोलने के तरीके से हमको पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। वैसे लिखते समय हम उचित शब्दों और उचित चिन्हों का, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। अ सेंटेंस दैट सेज आर स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई कथन किया जाता है, कोई बात बताई जाती है, कोई स्टेटमेंट रहता है, कोई चीज डिक्लेयर की जाती है, कथन या घोषणा की जाती है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, गगन गोज टू स्कूल एवरी डे। गगन रोज स्कूल जाता है, एक स्टेटमेंट है कि गगन नाम का जो लड़का है रोज स्कूल जाता है। आकाश इज वेरी ऑनेस्ट, आकाश नाम का जो लड़का है वह बहुत ही ईमानदार है। कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में। विनीत कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, विनीत मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, है ना, मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सका। दे आर स्विमिंग, वे तैर रहे हैं, एक स्टेटमेंट है, एक सिंपल कथन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो नोट, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके अंत में क्या आता है? हमेशा फुल स्टॉप होता है। जैसे यहाँ भी फुल स्टॉप आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो अ सेंटेंस दैट सेज आर स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा हम कोई कथन करते हैं, कोई बात बताते हैं, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके भी दो प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज पॉजिटिव इन मीनिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है?
पॉजिटिव इन मीनिंग, जैसे इसको हम सकारात्मक भी बोलते हैं हिंदी में। तो यह सकारात्मक होता है मीनिंग में, जैसे अजय हैज अराइव, अजय आ चुका है, अजय नाम का जो लड़का है वह आ चुका है। इसको मैं सकारात्मक को साफ यहां लिख देता हूं ताकि आप भली भांति समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये हो गया सकारात्मक, है ना, सकारात्मक वाक्य हो गया। अजय हैज अराइव, अजय आ चुका है। आई हैव रेड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ चुका हूं। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक। दिस सेंटेंस इज नेगेटिव इन मीनिंग, ये क्या होता है, मीनिंग इसका नकारात्मक होता है। इसका मीनिंग नकारात्मक होता है, जैसे अजय हैज नॉट अराइव, अजय नहीं आया, अजय नहीं पहुंचा है। आई हैव नॉट रीड दिस बुक, मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है ना। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है, अंत में हमको फुल स्टॉप लगाना होता है। तो इस तरह आपने देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस द्वारा हम कोई बात कहते हैं, कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या बोलते हैं, और यह दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव जिसका सेंस पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, दूसरा होता है नेगेटिव जिसका सेंस नकारात्मक होता है। तो यह हमने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, इसके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न पूछने वाले वाक्य। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आर यू फीलिंग हंग्री, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, हमेशा ध्यान में रखें यहाँ फुल स्टॉप लगाना है आपको। क्या आपको भूख लग रही है। थर्ड, व्हाई आर यू प्लेइंग इन द क्लास, है ना, यहाँ पे इन है, व्हाई आर यू प्लेइंग इन द क्लास, तुम क्लास में क्यों खेल रहे हो। चौथा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं। तो यह व्हाई आर यू प्लेइंग इन द क्लास है, ये आई नहीं है, इन है। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क और अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पंक्चुएशन मार्क्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल वाइल मेकिंग अ सेंटेंस, सही पंक्चुएशन मार्क आपको हमेशा लगाना है किसी भी सेंटेंस के वाक्य में, किसी भी वाक्य के अंत में। जब तक आप पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे उसका सेंस क्लियर नहीं होता है, मीनिंग क्लियर नहीं होता है। तो इसको आप ध्यान में रखें, कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिनकी सहायता से हम प्रश्न पूछते हैं। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। अब काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों के भी कुछ प्रकार होते हैं, बेसिकली दो प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला होता है, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी में, यस आर नो क्वेश्चन, है ना, यस आर नो क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जिस क्वेश्चन का उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। मतलब यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है आप खाली यस या नो में आंसर दे सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। और ये प्रायः ऐसे क्वेश्चन कैसे, ये प्रश्न प्रायः हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, डू, डज, डिड इत्यादि से शुरू होते हैं। तो जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं ये किससे चले होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ये आप ध्यान में रखें कि जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, प्रायः हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सहायक क्रिया से। जैसे डज इट टेस्ट बीटर, क्या यह कड़वा लगता है, कड़वा लग रहा है, आप ऐसे आंसर दे सकते हैं यस इट डज, हाँ यह कड़वा लगता है, ये अफर्मेटिव हो गया। और नेगेटिव आंसर आपको देना है तो नो इट डज नॉट, नहीं यह कड़वा नहीं लगता, है ना, ये अफर्मेटिव है और ये वाला नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ही कम टू स्कूल यस्टरडे, क्या वह कल स्कूल आया था, अगर अफर्मेटिव आंसर देना चाहते हैं हमें तो बोलेंगे यस ही डिड, हाँ वह कल आया था, तो देखिए यस, या फिर नेगेटिव आंसर आपको देना है तो नो ही डिडंट, नहीं वह कल नहीं आया था। तो इस प्रकार हमने देखा
इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पहला प्रकार है यस नो क्वेश्चंस है, और यस नो क्वेश्चन जो होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, डू, डस इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस किसको बोलते हैं, ये भी बहुत आसान है। हु, होम, हुज, विच, वेयर, वाई, वेन, वाई, हाउ इत्यादि से पूछे जाने वाले प्रश्न डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहलाते हैं। तो वह क्वेश्चन जिसमें जनरली डब्ल्यू एच शामिल रहता है उन्हें हम कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। देखिए हु इज अमित, एग्जाम्पल देखते हैं। हु इज अमित, अमित कौन है? अब अफर्मेटिव आंसर है अमित इज माई ब्रदर, अमित मेरा भाई है। इसमें आपको पूरा सेंटेंस बताना पड़ता है, यस आर नो में आपका काम नहीं चलता, यहां पर आपको पूरा सेंटेंस, यू हैव टू स्पीक कंप्लीट सेंटेंस। व्हाट इज मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा क्या है, मतलब वो उनका प्रोफेशन पूछ रहा है। तो मिस्टर शर्मा इज अ डॉक्टर, मिस्टर शर्मा एक डॉक्टर है। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है? तो योर बुक इज ऑन द टेबल, आपकी जो किताब है टेबल के ऊपर रखी है। तो यह डब्ल्यू एच क्वेश्चन है जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो क्या बताते हैं, कमांड, कमांड मतलब आदेश या ऑर्डर, ये आदेश बताते हैं, या फिर रिक्वेस्ट कोई प्रार्थना, कोई विनती, या फिर एन एडवाइस कोई सलाह। तो जो सेंटेंस कोई आदेश, प्रार्थना या सलाह व्यक्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे आज्ञा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल प्लीज डू नॉट ओपन द डोर, कृपया दरवाजा ना खोले, यह एक रिक्वेस्ट है। गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए, यह भी एक रिक्वेस्ट है। रिवाइज योर लेसन इन टाइम, अपना पाठ समय समय पर आप दोहरा लें, रिवाइज कर लें, तो यह एक एडवाइस है, टीचर के द्वारा सलाह दी जा रही है बच्चों को। बी क्वाइट, ये कमांड है, ये एक ऑर्डर है, और आप शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, यहाँ पर कृपया नहीं है, शांत रहिए, आदेश दिया जा रहा है। ओपन द डोर, ये भी आदेश है, कमांड है, दरवाजा खोलो। लेट अस गो होम, चलो घर चलते हैं, तो यह क्या है, एडवाइस है। तो इस तरह हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंस के द्वारा हम कोई आदेश देते हैं, ऑर्डर या कमांड, या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, या फिर कोई एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। देख कुछ उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद भी यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा, और मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स लेकर आऊँगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य सूचक या आश्चर्यबोधक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यह है एक्सक्लेमेटरी। तो ये आप सुधार के पढ़िएगा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग फीलिंग आर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है आश्चर्य सूचक या आश्चर्यबोधक वाक्य। तो इससे या तो हमको आश्चर्य प्रकट होता है, आश्चर्य का पता चलता है, या दुख। मतलब जो स्ट्रांग फीलिंग्स है, स्ट्रांग इमोशंस हैं, जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम सब मैच जीत गए करके जब हम चिल्लाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं, वो खुशी है। कोई मर गया तो एलास ही इज नो मोर, हाय वो मर गया, ऐसा बोलते हैं तो दुख है। मतलब स्ट्रांग फीलिंग आना चाहिए आपके अंदर से। तो हाउ स्टूपिड आई एम, है ना, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मतलब कोई गलती हो जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं खुद के लिए। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है आखिरी में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाउ ब्यूटिफुल द रैम्बो इज, कितना सुंदर यह रैम्बो है, कितना सुंदर इंद्रधनुष है ना, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। व्हाट अ वंडरफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है। एलास ही इज नो मोर, मतलब कोई गुजर जाता है तो हम दुख व्यक्त करते हैं, ऐसे इलाज शब्द का प्रयोग करते हैं, हाय वह मर गया, है ना। इसके बाद व्हाट अ फूल ही इज, हाय वह कितना मूर्ख है,
कितना मूर्ख इंसान। वी पुट अ मार्कअप एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एन एस्टिमेटरी सेंटेंस। ये जो चिन्ह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये जो चिन्ह है ना इसको लगाना ना भूलें, इसको बोलते हैं मार्कअप एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। तो ये चिन्ह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगाते ही हमको समझ में आ जाता है कि आप स्ट्रांग फीलिंग को व्यक्त कर रहे हैं, या तो आप बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं, कि दुख व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, कि कौन सा स्ट्रांग फीलिंग या इमोशंस आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति के लिए काम आता है वह वाक्य कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या आश्चर्य सूचक या आश्चर्यबोधक वाक्य। और ये लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इच्छा बोधक या इच्छा सूचक वाक्य भी बोल सकते हैं, यह मैं आपको केवल समझाने के लिए हिंदी में बताता हूँ, बट यू शुड बी हैबिचुअल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन इंग्लिश टू इंग्लिश, लेकिन फिर भी ताकि आप लोग इन बातों को हिंदी के माध्यम से भली भांति समझ सकें, इसलिए मैं आपको हिंदी में जरूर बताता हूँ, लेकिन आप यह अभ्यास बना लीजिए कि आपको इंग्लिश में लिखी हुई बातों को, इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश में ही समझना है, तभी आप कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ पाएंगे और अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक या इच्छा सूचक सूचक वाक्य भी कह सकते हैं, जैसे कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, विश मतलब कामना या इच्छा, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा कोई हम विश प्रकट करते हैं, कोई इच्छा प्रकट करते हैं, कोई कामना प्रकट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आपकी इच्छा या कामना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू मतलब आपकी आयु लंबी अच्छी हो, है ना, भगवान की तरफ से आशीर्वाद मांग रहे हैं किसी के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद मिले आपको। दूसरा, लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप, काश हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे, है ना, ईश्वर करे हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, जिसको हम हिंदी में शुभ यात्रा बोलते हैं, आपकी यात्रा बहुत सुखद हो, मंगलमय हो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, है ना, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे ही जब हम कामना करते हैं, विश प्रकट करते हैं, तो उस सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा हम कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, इच्छा या कामना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए बस इतना है, यदि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे इससे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलेगी कि मैं और कुछ अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और आप किसी नए सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताएँ। इसके साथ ही यह एपिसोड समाप्त होता है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।